मैं निखिल वैष्णव लेकर आया हूँ पीआरजी चैनल पे कविता। एक विषय ऐसा है जिस पे कविता लिखना असंभव है, नामुमकिन है। दुनिया की किसी कलम में ऐसी ताकत नहीं हुई जो माँ विषय पे कविता लिख सके। आज वो कविता कि जब माए हमारे साथ नहीं होती तब हम पे क्या गुजरती है, उस पर एक कविता पेश करता हूँ। कल जब सुबह उठकर काम पर जा रहा था, अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़ा खड़ा दूध मत पी, हजम नहीं होगा, दो घड़ी सांस ले ले, अरे अरे इतनी ठंड है और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा मार रसोई से बोली होगी जिनके हाथों में सना आटा होगा। मन में सोचा मार रसोई से बोली होगी जिनके हाथों में सना आटा होगा। घूम के देखा तो क्या मालूम था वहाँ वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। घूम के देखा तो क्या मालूम था वहाँ वहाँ सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, अरे अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। सोचता हूँ जब जाऊँगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन मन इसी बात के तले रोता है, सब कुछ है माँ सब कुछ, जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा वह सारी आज़ादी मेरे पास है। ना जाने क्यों फिर भी दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही सब करूँगा जो मेरे जी में आएगा, आज मैं वही सब करता हूँ जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं कि मैं जो कुछ भी कर लूँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अरे दुख है तो इतना सा कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। दुख है तो इतना सा कि सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि अब बार बार कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पे उल्हाने कौन देगा, मेरे तमाम वो झूठे बहाने कौन देगा। रात को देर से लौटूँ तो कौन नाराज होगा भला, कौन कहेगा कि अब बार बार कहाँ चला। दोस्तों के साथ घूमने पे उल्हाने कौन देगा, मेरे तमाम वो झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा किस उम्र में क्यों परेशान करता है, हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है, सारे सारे दिन मुझे सताता है। रात को लेट आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए, कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है, इस बूढ़ी का तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं कि कोई खुशियां बांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर या हल्के से बाम लगाती, आवाजें दे देकर सुबह उठाती, दिवाली पर टीका लगाकर रुपए देती और कहती बड़ों के पांव छूना आशीर्वाद मिलेगा, कपड़े मत फाड़ना अगला कपड़ा अगली दिवाली पर सिलेगा। बहन को सताता तो खूब डांट खिलाती, बहन को सताता तो खूब चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो कर नजरे उतारती, परीक्षा से आते ही दूध पिलाती, पढ़ते हुए खूब खाना खिलाती, पिता की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की कर ले दुआओं में खूब हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सोचकर पिता की डांट का डर दिखाती, पिता की डांट से तू ही बचाती, इसे नौकरी मिल जाए ये तरक्की कर ले दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सोचकर दरवाजे के पीछे खूब आंसू बहाती। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे इन बेटों को छूके जाती है। सब कुछ है माँ सब कुछ, आज तरक्की की हर रेखा तेरे इन बेटों को छूके जाती है। पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती है। आप सबको मेरी कविता अगर पसंद आई हो तो पीआरजी फिल्म्स एंड स्टूडियो के चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।